हाय फ्रेंड्स, आप सबको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को हम पेन पकड़ना कैसे सिखाए और बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं स्लैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन एंड कॉल्स, ये सब कैसे सीखें ताकि वो अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स आसानी से लिख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना कैसे सिखाए लाइन्स एंड कॉल्स को यूज करके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों को हम ऐसे दे सकते हैं, जैसे कि डॉट 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 बना लिए। अब बच्चों को बोलेंगे कि इसे जोड़ के दिखाओ, तो बच्चे आसानी से डॉट को जोड़ेंगे और देखेंगे ये बन रहा है ए। फिर बन के ये जब बन जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये ए है। ठीक है, ऐसे डॉट 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 बनाते रहेंगे और इसे बच्चों को जोड़ने के लिए हम बताएंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि ए ई एफ आई के एल एम एन टी वी डब्ल्यू वाई एंड जेड, ये अल्फाबेट सब हम लोग लाइन्स को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ए बनाना है तो हम बताएंगे बच्चों के पहले एक स्लैंडिंग लाइन दो, फिर एक स्लैंडिंग लाइन, देन ए स्लीपिंग लाइन। जैसे कि बच्चों को हम बोलेंगे स्लैंडिंग लाइन, देन ए स्लीपिंग लाइन। ये बन गया ए। ई बनाना है तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ई। से बी सी डी जी जे ओ पी क्यू आर एस एन यू, ये सब हम लाइन और कॉल्स को यूज करके बना सकते हैं। तो हम बच्चे को बताएंगे कि जब बी लिखना है तो बच्चे को बोलेंगे कि आप एक स्टैंडिंग लाइन दो, देन कॉल अनदर कॉल, ये हो गया बी। सी लिखने के लिए कॉल, डी के लिए स्टैंडिंग लाइन, देन कॉल। ठीक है, और ऐसे कि जब एस लिखेंगे तो ऐसे कॉर एंड कर, यू को ऐसे कॉल। हम ऐसे ही बच्चों को बता सकते हैं। हम बच्चों को एक ऐसे स्लेट लेके भी एक बड़ा सा ए लिख लेंगे और बच्चों को बोलेंगे इसके ऊपर ऐसे ए लिखो, तो बच्चे ऐसे बार बार करेंगे, ऐसे ऐसे खेलेंगे, फिर उन्हें पता चल जाए कि ए कैसे लिखा जाता है, वो फिर अपने आप लिखना स्टार्ट कर देंगे बिना इसे देखे। तो हम ये भी बता सकते हैं बच्चों को कि हम ऐसे लिखेंगे बोल के। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।